अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बनाएंगे लोबिया की कढ़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लोबिया को थोड़ा भून लिया था और इसको 4-5 सीटी से मैंने गला लिया है और अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर मैंने इमली भीगने के लिए रखी है और यह 1 चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता लिया है और यह प्याज। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है, इसको भून लेंगे। जीरे को और प्याज कड़ी पत्ते को अच्छे से थोड़ा भून लेंगे इसकी कच्ची स्मेल जाने तक। 2 मिनट तक भूनना है, ये जलाना नहीं, थोड़ा ही भुनेंगे। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ फुल वॉच करना इस वीडियो को, आगे तक मेरे साथ बने रहिएगा। एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ, अच्छे से भून चुका था, थोड़ा ठंडा होने के लिए इसको फैला कर रखेंगे एक प्लेट में। ये देखिए लोबिया को इसमें डाल देंगे। ये धनिया पत्ता, एक जार लिया है मैंने मिक्सी का, इसमें डाल देंगे सब। इसका अच्छे से थोड़ा पेस्ट बना लेंगे। मैंने डाली है इसमें मिर्ची 1 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर है, नमक है, अपने हिसाब से डालिएगा। थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर रखा था 1 चम्मच जितना। अब मैं डाली हूँ इसमें जो मैंने पीस के रखा था वो, और इमली का पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ता। अब इसको 10 मिनट तक पकाना है। राइस के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है, वाइट राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। ये देखिए 10 मिनट हो गए, अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया, इसको अच्छे से थोड़ा क्रश कर लिया था, तेल गर्म हो चुका था, डाल दिया है जीरा भी, राई डाल दी है, कड़ी पत्ता है, ये देखिए। अब इसमें तड़के को डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ही कलर अच्छा आया है कड़ी का। ये देखिए बनकर तैयार हो गई है कड़ी। आपको ये कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।